है सही कमाई, मैं करके दिखा दूंगा। आओ ना मीरा। राहिल, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुमने कहा था हम रेस्टोरेंट जाएंगे, कल से भूखी हूँ मैं। तो तुमने कुछ खाना है? हाँ, और क्या। चलो मेरे साथ। राहिल, मेरा हाथ छोड़ो। चलो मीरा। अरे अल्लाह, किसने दिया मैं? ये सब क्या है रोहिल? मुझसे फोटो मांग लेते, इतनी प्यारी प्यारी फिल्टर वाली पड़ी थी मेरे पास। देखो मीरब, देखो देखो मेरी फ्रिज। लोग अपने फ्रिज पे स्टिकर लगाते हैं और मैंने कार्टून लगा रखे हैं। रोहिल, इसमें से कुछ खाने को तो निकालो। देखो मीरब, देखो ये रहा वो किचन जहां पे तुम मेरे लिए रोटियां पकाया करो, और ये रही वो सीढ़ियां जहां से तुम ऊपर जाके मेरे कपड़े सुखाया करो। कुछ खाने के लिए निकालो, नहीं तो मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि कहाँ है? अच्छा रोहिल, स्विच तो खोलो। जैला जादू। रोहिल, तुमने कुछ खाने के लिए मंगवाया? नहीं मीरब, कोड़े वाला होगा, कल भी नहीं आया था दिल्ली। कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है। ओ भाई, कूड़ा तो ले लो, तुम तो अंदर ही आ गए हो। अरे भैया आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई। ये है नुरेज, साबरा का बेटा। ओ है, ये क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा? अरे ये इसकी आदत है। भैया इधर आओ। बचपन से ही उल्टी हरकतें करता आ रहा है। मैं इसे हमेशा कहती थी बड़े होकर हया आएगी, और देखो अब आ गई। कितना पढ़े हो? मेरा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, सारा दिन अंग्रेजी फिल्में देखता रहता है। वो जो कच्छा पहन के नहीं लड़ते, वो इसे बहुत पसंद है। मॉम WWE की बात कर रही हैं। इंटरेस्टिंग, साउंड्स गुड। रेडी, कम ऑन टू द स्टेज और फेस टू फेस ऑन जॉन सीना। देखा, मेरे बच्चे को बहुत अंग्रेजी आती है। माँ बेगम, मुझे हया बहुत पसंद आई है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे मिठाई खिला दूँ। क्यों ये टूंडी? मुझे भी। नीरव, कहाँ थी तुम? वो मरियम के पास थी। अच्छा, मुझे लगा शायद लुकन मिट्टी खेल रही है। वो मरियम के पेपर है ना, वो गेम खेल रही है। उसे मैं बताता हूँ। खैर है, तुम भी तो जाहिली हो। आओ हम चिप्स बनाने चलते हैं। उठ जाओ ए, 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 कम ते। चिप्स बनाने चले, आलू वाली। ले आओ ए, ए, कम ते जाओ। तुम्हें पता है ना, सब्जी काटते हुए मेरे हाथ पे छुरी लग जाती है। तो मैं आलू काट दूंगा। फ्राई भी कर देना, फिर मिलकर इकट्ठे खाएंगे। Hey, what's up, bro? Sorry, मुझे लगा कि फुल कोडू है। आइए बैठिए।
आप वाकई में बहुत छोटी हैं। आपने इतना इमरजेंसी पे यहाँ पे बुलाया इतना सीक्रेटली, आपका भी मेरे वाला ही हाल होगा। मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या हुआ अनवेज? बस बस, अब ये मेरे लिए नॉर्मल है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है प्रपोज का मतलब ना ही होता है। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखें जब आपको पता चले कि कोई है जो आपको बहुत सालों से चाहता है और अभी भी दिल में कहीं ना कहीं आपका मुंसिर है तो क्या? मुझे तो पहले ही शक था तुम जैसी लड़कियों के पास एक नहीं होते। नहीं, मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन कोई है जो आपको बहुत प्यार करता है। बताने से बेहतर है मैं चली जाऊं। आया प्लीज ऐसे मत करें, अगर कोई है तो बता दें, गरीब का महीना निकल जाएगा। कैसे बताऊं मैं आपको? कम से कम उसका नाम ही बता दो, शायद मैंने उससे पहले बात की हो। अच्छा है, देखिए जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ ऐड है इनमें से है वो लड़की? ये तो बस दोस्त है। मरियम, मरियम डॉट 786? नहीं, मुर्तसिम की बहन। हाँ, ये देखो बैठा लंडे का माल। मरियम, इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी आप? ये है अनस मेरा आशिक और मैं हूँ मरियम इसकी मशहूर। मरियम मेरा तो बताओ। हाँ, ये है मीरा मेरी भाभी। जी जी, जानता, मिल चुका। कब, कहाँ? वो मैं प्यारी प्यारी लड़कियों के ख्वाबों में आता हूँ। जब से मरियम ने आपकी पिक्चर दिखाई है तब से आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। पिक्चर्स को छोड़े, अब तो मैं टिकटॉक भी बनाती हूँ मटक मटक के। आपसे भी बनवाऊंगी मैं, तो बताएं अनस तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा मुझे मरियम के बारे में बताएं प्लीज, उसे मेरा ऐसा करना पसंद है या नहीं? बस करें। ठीक है अनस, पास हो गए आप। अब आपको अपने पेरेंट्स को भेजना होगा ताकि बात शादी पे खत्म हो। भाभी ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, वो मुर्तसिम है, उसका एक लेवल है, मैं ठहरा एक मिडिल क्लास। ऐसी कोई बात नहीं है अनस, ऐसे ना सुनी सुनी बातों पे यकीन नहीं करते, मुझसे पूछो, एक नंबर का गवार है मुर्तसिम। बेला निकम्मा निखट्टू। और तो और भाभी ने उसे ऐसे रखा हुआ है जैसे घर कोई काम वाले रखते। वाह, इतनी प्यारी रिंग। मुझे लगा था भाभी कहेंगी कि इतनी सस्ती रिंग, लेकिन इन्होंने मुर्तसिम के बारे में बता के मेरा हौसला बढ़ा दिया। अनस नहीं आया? उसने क्या करना? देखें, हमें तो अनस से मिलना था। वो हम बहुत शरीफ लोग हैं जी, काम कार में बिजी रहते हैं। जब से इसके अब्बा अनस के मरे हैं ना, मैंने और उसने मिल के संभाली है दुकान, पान वाली हमारी अपनी दुकान है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका घर कहाँ है? वो जी जहाँ पे मेरा फंक्शन हो वही मेरा घर हो जाता है। फंक्शन? हाय अल्लाह, फंक्शन भी नहीं समझते तुसी। ओ बीबी, आप रहती कहाँ हैं? आपके दिल में। आप कुछ लीजिए ना। नहीं नहीं, मैं अपने पान हमेशा साथ ही रखते हैं। अच्छा आप ऐसे करें कि आपने एक बाघ की स्ट्रिंग पकड़ लाएं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ना आप लड़के को साथ लाई हैं, ना अभी रिश्ता पक्का हुआ है, और आप अभी से फरमाइशें कर रही हैं। ये होती कौन है मुझे बातें सुनाने वाली? देखिए, घर आए मेहमान की इज्जत करना हमारा फर्ज है, और आप तो मेहमान से कई ज्यादा बड़के हैं हमारे लिए। ओ चाचू, तेरे जैसे बड़े आए और बड़े गए, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझे सेट करने का। बाजी, ये अपना ये तो ले दीजिए।
जी बीबी जी। बच्चू भाई उर्दू सिम कहाँ है? वो छोटे माली को रहने वाला सीट के लेके गया है। क्या मतलब? उसे पैसे नहीं सी देते। खान हर बारी होना धोखा कर दिया, इस बार नहीं वो खान को छोड़ेगा। तुम कहाँ थे? ऐसे कैसे लेके जा सकता है वो? वो मैंने करियाने वाले को बताया था कि खान इधर है, मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। सलाम अलैकुम बख्तू, तुम्हें करियाने वाला बुला रहा है। जो हुक्म। कहाँ गए थे तब से? करियाने वाले से मार खा के आए हो ना? बताता हूँ। अभी बताओ। जब मैं तुम्हें मारती हूँ तब तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। चलो अब तुम भी मार लो मुझे। ओ, इसका मतलब उससे भी मार खा कर आए हो तुम? हो ही खामोश, कोई सुन लेगा। जवाब क्यों नहीं देते हो? तुम मार खा के आए हो ना? सोने दो यार। ठीक है, मैं जाकर माँ बेटों को बताती हूँ। पागल हो गई हो? प्लीज माँ बेगम को मत बताना, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नजरों में। जाओ बताओ जाकर। पहले कौन सा कोई इज्जत है मेरी उनके सामने। लेकिन जाते जाते प्लीज मेरी बिनिया दबाते जाना। बिनियों के साथ साथ गला भी दबा देती हूँ। कहाँ है वो करने वाला? उठो चलो मेरे साथ। खुद ही चले जाओ क्योंकि वो मुझे फिर ना मारने लग जाए। बड़े अफसोस की बात है, अगर तुम मेरे साथ नहीं गए वहां पर तो मैं उसे यहाँ पर ले आऊंगी। जाओ यार ले आओ उसे। पिनिया नहीं दबाओगी? कोई बात नहीं मैं खुद ही दबा लेता हूँ। उठ जाओ। इस दुनिया में बहुत सी लड़कियां जो ये गलत काम करती हैं। आज मरियम भी वो गलत काम करने लगी है। मैं नहीं जाना फाइनल मम्मी। चुप करो, कोई आ जाएगा। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। चल रहे तो अब लग रही है ना आप मेरी दुल्हन। इधर आओ। मेरी पिक सच्ची नहीं आती इसलिए मैंने आज तक नहीं बनाई। मरियम मैंने तुम असल में देखा, फिल्टर लग जाएगा तो और बेहतर हो जाओगी। ला 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 ला। वो तो मैं पहले से ही हूँ। तुम चाहती नहीं हो कि मुझे तुम पे और प्यार आए? अनस ऐसी बात नहीं है, बस मुझे शर्म आती है। चलो फिर एक बार सेल्फी लेते हैं। देखा सही नहीं आई, मैंने तुम्हें पहले कहा था। मेरे साथ भी सेल्फी ले लो। बैठो, मेरी सारी सेल्फी खराब करती है। अच्छा अच्छा मेरा फोन तो वापस कर दो, मुझे अर्जेंट कॉल करनी है। मैं फोन वापस नहीं करूंगी जब तक मेरी सही पिक्चर नहीं आएगी। अच्छा फोन वापस नहीं करना? नहीं, मैं अनस नहीं हूँ, मैं मलक जुबैर हूँ। तो मैं क्या करूँ, मैंने फिर भी फोन वापस नहीं करना। मुर्तसिम खान फोन उठा ले। हाँ वे भैन दे भरा जरा छेती छेती आ, मेरा मतलब जल्दी आ जा यार, तुम्हारी बहन मेरा फोन वापस नहीं कर रही। मेरी बहन को हाथ मत लगाना। हाथ मत लगाना उसे। ओ भाई जाने मुझे मेरा फोन वापस चाहिए। हेलो हेलो
लगता है बैलेंस खत्म हो गया। शुक्र है मरियम आ गई, अब इसका क्या करना है? मैं तो कहती हूँ चलता करो इसको। रोने क्यों लग गए हो? माँ बेगम पांव उठाएं। सारी दुनिया तुझ पे थूकेगी और मुझ पे भी, बेला रहता है तू इतना बड़ा होके भी, पानी की तरह मैं तेरे सामने पैसा बहा दूंगा, क्या होती है सही कमाई तुझे करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में ना तू रहना, मैं नौकरी नहीं करूंगा।